इस गर्मी से तो राहत पाना बहुत मुश्किल है। बस रांची में जो पहले हम सुनते थे कि सब चीज ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत तेज गर्मी है, राहत का कोई व्यवस्था नहीं है, बस नारियल पानी ये सब है। बीच में आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो भी राहत मिल जाता है। कुछ दिनों से काफी गर्मी बनी हुई, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कुछ ऐसा? उसमें देखिए एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, लगातार पानी का किल्लत हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है, मौसम भी बदल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जनसंख्या तो हर विषय का जड़ अगर है, जिस परेशानी का जड़, तो जनसंख्या है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, पेड़ कट रहा है, लोग बिल्डिंग तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो बस काट रहे हैं गर्मी, राहत कुछ नहीं मिल रहा है, बस पार कर रहे हैं गर्मी को। बहुत ज्यादा तेज गर्मी है। हम रहने वाले पलामू के हैं, सुनाई देता था और पहले से भी महसूस होता था, जब आते थे तो लगता था कि नहीं वहां से यहाँ काफी कंट्रोल है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, गर्मी है ये तो सभी देख रहे हैं, और क्या, अभी तो और भी बढ़ने वाली है गर्मी, उसके लिए उपाय करना ही पड़ेगा, प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, और क्या, सीजनल फ्रूट्स खाना पड़ेगा। क्या क्या मतलब बचने के लिए कुछ उपाय भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बस वही प्रोटेक्शन लेके चलिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। आप जूस पी रहे हैं? जैसे कि हम जूस पी रहे हैं, बस गन्ना का जूस पीजिए, वो ज्यादा सेहतमंद होता है। वाटरमेलन खाइए, और मौसमी फल खाइए। हाँ, मौसमी फल खाने से ही गर्मी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, लहर नहीं मारेगा। यानी घर से बाहर निकल रही है तो आप क्या क्या प्रोटेक्शन किस तरीके से लेकर जाएं? फेस को ढक के चलिए, अम्ब्रेला लेके चलिए, और क्या, जब जरूरत पड़े तभी दोपहर में बाहर निकलिए, वरना नहीं तो मत निकलिए, वरना लहर मार देगा। वैसे तो काम करने वाले लोग को निकलना पड़ता ही है, कोई उपाय नहीं है, तो बस अपना ध्यान रखे सेहत का, फल फ्रूट जूस खा के, छाता लेके निकले बाहर, और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा। गर्मी तो है, गर्मी इधर कुछ बढ़ गया है एक हफ्ता से। बचने के लिए क्या बाहर निकल रहे हैं तो? बचने के लिए कैप है, पानी है, जूस है, नारियल है, यही सब उपाय कर रहे हैं। ये है, इसके साथ साथ आम जोड़ा है, आम का जो हम लोग का पुराना ट्रेडिशन है कि कच्चा आम को पका के उसका हम जोड़ा बना के पी लेते हैं, तो हम लोग लू से बचते हैं, लू का आपको नहीं मारता है। तो ये सब जो अपना है परंपरागत चीज है, उसी से हम लोगों का काम चल जाता है। प्रिकॉशन ले रहे हैं जी, गर्मी से बचने का कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी को इंटेक ले रहे हैं, पानी ज्यादा ले रहे हैं, लेना ही चाहिए। और रांची में तो ऐसे भी थोड़ा हम लोग को गर्मी कम है, लेकिन रांची के अलावा और सभी जगह तो बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी है। लेकिन रांची में खासकर अब पड़ने लगा है गर्मी? हाँ, पड़ने लगा है, मैंने दोपहर में रहता है, शाम होते होते फिर हम लोग को थोड़ा रिलीफ है। लेकिन इसके अलावा रांची के अलावा और कहीं भी जाइए, रामगढ़ चले जाइए, बुंडू चले जाइए, लोहरदगा चले जाइए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, इतने दूर में ही पता चल जाएगा, 50-60 किलोमीटर की दूरी में ही पता चल जाएगा कि रांची का क्या इम्पोर्टेंस है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह।